अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, मेरे अजीजों मैं हूँ इफ्तिखार इफ्री, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों आज है 11 जनवरी, ओहायो गुदायमस, गुड मॉर्निंग को कहते हैं ओहायो गुदायमस जापानी ज़बान में। दोस्तों आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, मैं इसमें आपको टोक्यो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो में बहुत सारी अट्रैक्शंस आप देखेंगे टोक्यो की, जापान की, जिसमें टोक्यो टावर है, स्काई ट्री है, इसके अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन है, इसके अंदर वहाँ की ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, किस तरह से लोग तरीके और सलीके से खाली सड़क के ऊपर खड़े होकर पैदल चलने वाले अपने इशारा खुलने का इंतज़ार करते हैं और फिर सड़क को क्रॉस करते हैं। इसमें आप देखेंगे श्राइन आसाकुसा। इस वीडियो में आप मेरे साथ पैदल चलेंगे जापान के अंदर टोक्यो में और हम टोक्यो की सैर करेंगे, अंडरग्राउंड में जाएंगे, ट्रेन का टिकट लेंगे और आप देखिएगा कैसे एक सस्ता टिकट लेने के बाद फिर जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता वहाँ का टिकट कितने का है, तो फिर अपनी मंजिल पे पहुंच के आप अपना टिकट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मशीन आपको बताती है कि आपने कितना सफ़र किया और अब आपने कितने पैसे देने हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हम पैदल सैर करेंगे टोक्यो की, ट्रेन में सैर करेंगे, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस जो स्टार्ट में है, जहाँ पर खाली सड़क है दोनों तरफ से और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लोग खड़े हुए इशारा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका इशारा ग्रीन हो और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करें। दोस्तों हम सब तरक्की करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी यह है कि हम पाकिस्तान के कवानीन पर, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। और यही राज है जापानियों की तरक्की का और यही राज है यूरोप की तरक्की का कि वो कानून शिकनी नहीं करते, लेकिन हम अपने मुल्क से मुझ जैसे लोग इस दर्जा मोहब्बत का इजहार तो करते हैं लेकिन उसके कवानीन की पासदारी नहीं करते। तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ टोक्यो, तानू बड़ा मज़ा आने वाला है, पैदल भी टुरांगे, ट्रेन का सफ़र भी करांगे, ते ओ चीज़ा वेखांगे जेड़ियाँ उन्हां दी तरक्की दा बाइस ने। आओ चलने हैं टोक्यो। देखे दोस्तों यहाँ पर लोग कितने तरीके और सलीके से सड़क क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, ये देखिए दोस्तों, ये देखें ये टोक्यो की सड़कें हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब तक इशारा नहीं खुला इन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया। ये देखें ये इशारा खुला हुआ है, ये इसी तरह के लोग हैं, इशारा लग जाएगा ये खड़े हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, ये रोड खाली है और ये अभी तक इशारा जो है ये ग्रीन है, ये गुजरते जाएंगे, जैसे इशारा लगेगा ये खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक मौजूद नहीं है, अभी देखिएगा ये ग्रीन है, ये रोड है, ये देखें ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये वेट कर रही है इशारा खुलने का, लेकिन इस तरफ रोड पर मेन रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और अभी तक ये इशारा खुला हुआ है। अभी देखिएगा जब इशारा लगेगा तो ये लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, जबकि दाएं बाएं से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होती। ये एक इनके अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि ये कानून की पासदारी करते हैं और अपने मुल्क के कानून को इज्जत देते हैं, और ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभी देखिए कि ये रेड हो गया, अब चूंकि ये इशारा रेड हो गया है तो ये देखिए ये बाइक वाले यहाँ खड़े हो गए और वो खातून अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर खड़ी हो गई है। ये देखिए ये खूबसूरत बात है इन लोगों की, इस रोड से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, एक गाड़ी आई है लेकिन ये वैसे खाली है, लेकिन ये इशारा नहीं तोड़ेंगे और ये जमा होते जाएंगे, जब तक इशारा नहीं खुल जाता तब तक ये लोग इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए कोई गाड़ी नहीं आ रही लेकिन ये लोग खड़े में हैं और जैसे ही
ग्रीन होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ये लोग चल पड़ेंगे। ये देखिए ये चल पड़े, ये है खूबसूरत बात, ये है इनकी तरक्की का राज। दोस्तों ये देखें, ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन ये देखें ये इस तरह से भी सैर की जा सकती है टोक्यो की। ये देखिए निक्की निक्की गड्डियाँ, और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा रही, उसके बावजूद दोनों जानब राइट और लेफ्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर लोग आकर खड़े हो गए हैं, कोई ट्रैफिक नहीं जा रही। ये ग्रीन हुआ और ग्रीन होने के साथ ही ये लोग चल पड़े। ये देखिए ये देखिए, ओ माय गॉड, अरे वाह 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 वाह। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन लटकी हुई है चमगादड़ की तरह। ये एक बड़ी खूबसूरत और अनोखी बात है जापान की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने इसका स्टेशन है और ये वहाँ जाके रुक गई, अब सवारी उतारेगी और फिर आगे चली जाएगी। दोस्तों मैं मौजूद हूँ टोक्यो में, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, सर्दी बहुत है और मैं तलाश कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे टोक्यो टावर है और मैं तलाश कर रहा हूँ अंडरग्राउंड ट्रेन कहाँ से मिलेगी मुझे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्काई ट्री, टोक्यो टावर जो है इसकी मैंने वीडियो बना ली है, वो आप बड़ी जल्दी देखेंगे। मेरे पीछे देखिए टोक्यो टावर, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आइफल टावर था पेरिस का, या मैंने आपको ब्लैक पूल टावर दिखाया था यूके में, तो इसको मैंने शूट कर लिया आपके लिए। ये देखिए खुल गई है, इशारा खुल गया, तो अब हम पैदल सड़क क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। मेरे पीछे बहुत सारे लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, ये लोग बड़े तरीके और सलीके से सड़क क्रॉस करते हैं और कभी भी कोई वायलेशन नहीं करते, और जापानियों की ये आदत बड़ी अच्छी आदत है, ये कोई वायलेशन नहीं करते। और मुझे आखिरकार अंडरग्राउंड ट्रेन का ये देखें स्टॉप मिल गया, मैं जा रहा हूँ अंडरग्राउंड में और यहाँ से टिकट लेकर मैं जाऊँगा दूसरी किसी प्लेस पे, जहाँ से मैं आपको शूट करके दिखाऊँगा टोक्यो की अट्रैक्शंस। ये सारी वीडियोस आप देखेंगे मेरे पेज पे, तो मैंने कहा मैं आपको शामिल भी रखूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये देखें ये सीढ़ियाँ, ओ तेरी खैर हो गई, लंबी सीढ़ियाँ उतरो, तो यहाँ पर एस्केलेटर्स नहीं हैं, वैसे तो होते हैं लेकिन क्योंकि शायद जापानी जो है वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से हम टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद हम जाएंगे स्काई ट्री। स्काई ट्री जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन के लिए एक टावर है, लेकिन लोगों ने उसको सैरगाह बना लिया है, तो ये दुनिया भर के लिए एक अट्रैक्शन है। उसके ऊपर से पूरा टोक्यो नज़र आता है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने दीवारों पे तस्वीरें भी आवेदा कर रखी हैं, साहब इन्हीं चढ़िया इन्हियाँ बढ़िया सीढ़ियाँ भी उतर आया मैं, तो स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। देखें हालांकि आज संडे है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, और हम यहाँ से लेंगे टिकट और टिकट लेकर हम जाएंगे स्काई ट्री और दीगर अट्रैक्शंस में आपको दिखाऊँगा। ये देखें यहाँ से जब टिकट लेते हैं तो फिर यहाँ से आप एंटर होते हैं ट्रेन के लिए। ये देखिए बड़े अच्छे सिस्टम है यहाँ के, बड़ी महजब कौम है, बड़ा तरक्की याफ्ता शहर है टोक्यो, लेकिन बड़े सादा हैं और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेविश उस तरह से नहीं होती, और ये सिर्फ उतने पैसे लगाते हैं जितने की ज़रूरत होती है। तो मैनू लग गया जे स्टेशन, तो आओ टिकट लेने हैं तो ट्रेन भी दिखाने हैं तुम्हें। दोस्तों ये देखिए ये पैसे सिक्के डाले, पता किन्ने बड़े पाते ने, और यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये इसने देखे सारे टिकट्स खरीद रहे हैं, यहाँ पर जहाँ भी जाना हो असी पता नहीं कितने जाना है। ये देखें एक टिकट निकली, उसके बाद एक और टिकट निकलेगी यहाँ से, देखिए तो ये सिक्के फिर दोबारा से डाले, सिक्के पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ, सारी भान इतने पा दी जी इकट्ठी की है। ये हमारे दोस्त जब से जापान आए हैं, ये देखें ये तब की सारी इन्होंने पैसे इसी में डाल दिए हैं और टिकट निकाल ली है। ये देखें यहाँ से डालते हैं और ये आगे से निकलाएगी, ये निकलाई, ये देखें ये मैंने निकाल ली और मैं चल रहा हूँ
ट्रेन वाल स्टेशन पे आ गए हैं। स्टेशन पे दोस्तों मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। ये देखें यहाँ पर ट्रेन इतनी तरतीब के साथ रुकती है। ये देखिए गेट्स लगे हुए हैं, जहाँ गेट्स खुलेंगे और फिर आप ट्रेन में बैठेंगे। मुझे नहीं पता ट्रेन इस तरफ से आनी है या इस तरफ से आनी है, लेकिन ट्रेन आनी ज़रूर है। दोस्तों ट्रेन आ गई, देखें अनाउंसमेंट हुई साथ ही ट्रेन आ गई। ये देखें ये टोक्यो की अंडरग्राउंड ट्रेन, उसका मंजर है। ये देखिए वाह जी वाह, अब इस ट्रेन पे हम बैठेंगे। ये देखें वाह 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 वाह, ये ट्रेन रुक गई और ये देखें लोग बैठ रहे हैं। ये देखें लोग बैठ रहे हैं ट्रेन के अंदर, हम भी बैठेंगे ट्रेन के अंदर। और दोस्तों ट्रेन में बैठ गया हूँ, ट्रेन चल पड़ी है और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ उतरना है दोस्तों, हम जा रहे हैं आसाकुसा और ये डायमंड स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन से मैं उतर गया हूँ, देखें ट्रेन है इससे मैं उतर गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अगली ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर वहाँ स्काई ट्री भी है और मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये चाइनीज सफाई कर रहा है और मैं जा रहा हूँ आसाकुसा की तरफ ट्रेन के ज़रिए। ये लिखा हुआ है जी आसाकुसा लाइन और ये एरो का निशान बता रहा है कि हमें इस तरफ जाना है। ये देखें ये मैं चढ़ गया इस देखो जी, ये देखें दोस्तों ये ट्रेन एयरपोर्ट जा रही है। ये देखें क्या स्पीड है, ओ जियो। ये देखें ये एयरपोर्ट के लिए जा रही है ट्रेन। ये देखें ये गई जे, दोस्तों ये ट्रेन आ गई है। हम यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे और हमें यहाँ जाना है आसाकुसा। ये देखें 18A और ये ट्रेन, अभी ट्रेन के लाइन लग गए हैं। इधर ही आ जाओ दोस्तों, ये आ गया स्टेशन और आसाकुसा स्टेशन है, यहाँ से हम जाएंगे बाहर। दोस्तों आखिरकार हम पहुँच गए आसाकुसा स्टेशन और यहाँ से हम आपको इनकी एक श्राइन भी दिखाएंगे और आप देख सकेंगे स्काई ट्री। ये देखिए ये स्टेशन के कितने खूबसूरत मनाजिर हैं और टोक्यो। दोस्तों जब भी आप टोक्यो आए तो सबसे कम पैसों वाली टिकट लें, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपने कितने स्टेशन ट्रैवल करना है। हम दो ट्रेनें बदल के आसाकुसा आ गए, अब हम करेंगे यहाँ से टिकट डालेंगे और मशीन हमें बताएगी कि और कितने पैसे देने हैं। तो ये एडजस्टेबल टिकट होता है, तो आप सबसे छोटा टिकट लीजिएगा। मैं भी अब ये टिकट एडजस्ट करूँगा और देखता हूँ कि कितने पैसे मजीद लगते हैं। ये देखिए जी 40 yen और डालने हैं तो हमारी टिकट एडजस्ट हो जाएगी जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं। ये टिकट है, ये मैं डाल रहा हूँ, ये देखें ये देखें ये अंदर चला गया। अब ये बताएगा 40 yen। अब मैंने इसको किया डन और ये डाले पैसे। हेलो जी सानू टिकट दे दे, वो आ गई टिकट, ये आ गई टिकट, ये आ गए पैसे। हर स्टेशन पर लाइन लगती है, अपनी लाइन में जाएंगे। और ये जो पूरी दुनिया में राइट साइड जो होती है ये हमने छोड़ देनी होती है, जिन्होंने फास्ट जाना हो वो इस लाइन से जाते हैं। तो अब मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। इस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मंजर ये है और मैं चल पड़ा हूँ इस तरफ। और सुबह का वक्त है, ये देखें बहुत सयाह आए हुए हैं यहाँ पर, हर ब्रांड की। एक साइकिल बड़ी अच्छी है, देखें ये साइकिल, ये देखें। चलते हैं श्राइन की तरफ दोस्तों। ये देखें ये स्काई ट्री है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ये मैंने क्लोज़ किया। देखो यहाँ पर ये साइकिल तांगे, ये आपको शहर की सैर करवाते हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं तांगे, ये देखिए। और जब इस तरफ जाएंगे तो वो श्राइन इस तरफ है आसाकुसा,
और ये शहर का खूबसूरत मंज़र टोक्यो का। दोस्तों देखें यहाँ पर रश है बहुत, आए हुए हैं यहाँ पर टूरिस्ट, और वो श्राइन है असाकुसा, मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा स्काई ट्री। ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये टांगा जा रहा है जी, वाह जी वाह। ये देखें, ये है जी असाकुसा श्राइन गेटवे, और यहाँ चलते हैं और करीब चल के आपको दिखाते हैं ये श्राइन जहाँ पर बहुत रश है सयाहों का। दोस्तों ये देखें, ये इस तरह से टांगे यहाँ पर चलते हैं, ये देखें, ये जापान की एक रवायती सवारी। जी दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। उसकी वजह ये है कि मैं जब इसको एडिट कर रहा था तो मेरे दिल से ख्वाहिश उठी कि काश हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क के कवानीन का, अपने लोगों का और अपनी ट्रैफिक कवानीन का ऐसे ही एहतराम करें जैसे ये लोग करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।